Welcome to the formulator. Now in this lecture we will start discussing the analog electronic subject. Okay, तो हम लोग इस lecture में हम लोग analog electronic subject के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो हम पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो analog electronics है उसका syllabus क्या है. तो हमारा जो syllabus है उसके according हम लोग discussion करेंगे. पहले हम लोग syllabus check कर लेते हैं कि हमारा syllabus क्या है, syllabus में कितने module हैं, हमारा कोर्स करिकुलम कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं सिलेबस में क्या है और सिलेबस को कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड करके रखा गया है. तो जब अभी आप चेक करोगे अपना सिलेबस जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, तो आपको ये पता चलेगा कि पूरे सिलेबस को, यानी कि पूरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को, चाहे वो डबल ई हो, डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या सीएसई हो, सीएसई मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फॉर थर्ड सेमेस्टर दोनों का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है वो सेम है. ठीक है, एईसी मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने शॉर्ट में लिखा है एईसी. तो दोनों ब्रांच का, डबल ई और सीएसई जो है, दोनों के ब्रांच का जो सिलेबस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सेम है. ठीक है, तो हम लोग दोनों ब्रांच जो भी हम लोग पढ़ाई करेंगे वो दोनों ब्रांच के लिए करेंगे, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है. तो चलिए मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको टोटल 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, M1, M2, M3, M4, M5 और M6, मतलब कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6. 6 पार्ट में दोनों पूरे सिलेबस को आप लोगों का डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6 करके. ठीक है, तो हम लोग सारे मॉड्यूल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे. ठीक है, आपका जो मॉड्यूल 1 है इसके लिए 4 आवर का टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया गया है. ठीक है, 4 आवर का. मॉड्यूल 2 के लिए 8 आवर का. ठीक है, मॉड्यूल 3 के लिए भी 8 आवर का है. 8 आवर का मतलब कि 8 घंटे में हमें मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 2, 8 घंटे में मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर देना है, 8 घंटे में मॉड्यूल 3 कंप्लीट कर देना है और 4 घंटे में मॉड्यूल 1 कंप्लीट कर देना है. ये स्टैंडर्ड टाइम है जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया है. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पूरे सिलेबस कवरेज को करेंगे. ठीक है, हमारा जो भी टाइम अलॉटेड है उसके अकॉर्डिंग. हाँ, चलिए एक अपना पर्सनल एस्पेक्ट मैं आप लोग को यहाँ बता दूँ, क्योंकि अभी हम लोग तो स्टार्ट कर रहे हैं लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए, कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मेहनत की करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका जो सिलेबस होगा वो थोड़ा लेंदी होगा. दैट वी विल डिस्कस, वो आगे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग उसके बारे में अच्छे से विस्तार से बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि मॉड्यूल 1 में क्या क्या हमें पढ़ना है. जो मॉड्यूल 1 है हमारा, सबसे जो जहाँ से हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत करेंगे वो है मॉड्यूल 1. मॉड्यूल 1 का जो नाम है वो है डायोड सर्किट. डायोड के बारे में हमें पढ़ना है. आई डोंट नो कि आप लोगों ने शायद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होगा, शायद अगर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा, अगर आपके करिकुलम में नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा. तो अगर डायोड सर्किट के वहाँ पर अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तो फिर आपको वहाँ पर डायोड के बारे में बताया गया होगा, या फिर अगर आप लोग को याद होगा 12th के जब आप फिजिक्स पढ़ रहे थे, 12th का फिजिक्स की जो NCERT बुक थी उसमें आप लास्ट में आप सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेज एक चैप्टर है, लास्ट में आई थिंक कम्युनिकेशन से पहले फिजिक्स का जो Vol. 2 है, Vol. 2 बुक है, उस Vol. 2 में एक सेमीकंडक्टर का चैप्टर है. ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेज का चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आपका शायद Plus 2 के फिजिक्स में, मेरे टाइम में था, मैं जब 2014 में पास किया था तो उस टाइम ये चीज़ें थी. अभी पता नहीं, तो अभी आप लोग के टाइम में सिलेबस चेंज हो गया होगा तो आई डोंट नो, बट सिलेबस चेंज नहीं होना चाहिए. तो शायद उस टाइम पे लास्ट चैप्टर था हमारे टाइम पे कम्युनिकेशन और उससे पहले था सेमीकंडक्टर. तो वहाँ पे आप लोग को कुछ कुछ बेसिक आइडिया दिया गया होगा इसके बारे में, और अगर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा तब तो काफ़ी अच्छा से आइडिया हो गया होगा. अगर नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप लोग को डिस्कस करते हुए पूरा अच्छे से समझाऊंगा आप लोग को एक एक चीज़ को. ठीक है, तो मॉड्यूल 1 जो है वो है डायोड सर्किट के बारे में. अब डायोड सर्किट में क्या क्या होता है देख लेते हैं हम लोग. तो पहले हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे कि डायोड क्या होता है. ठीक है, डायोड के बारे में पढ़ेंगे कि डायोड क्या होता है, डायोड का IV करेक्टरिस्टिक क्या. IV करेक्टरिस्टिक मतलब
करेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक, आई मतलब करेंट, वी मतलब वोल्टेज, करेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा हमारे सिलेबस में, उसके बाद हमारे सिलेबस में आएगा रेक्टिफायर, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ाया होगा, अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। फिर तो रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर में भी क्या है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है, फिर फुल वेव रेक्टिफायर होता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको आएगा क्लिपर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्लिपर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, क्लैम्पर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायोड सर्किट में आती हैं। फिर लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो है जेनर डायोड, ठीक है, जेनर डायोड, जेनर डायोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सर, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को आगे भी इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें के बारे में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी कोशिश करूंगा कि जो डायोड है, डायोड प्रैक्टिकली दिखता कैसा है, पहले मैं ये दिखाऊँ डायोड भी कैसा दिखता है, आपका जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ों के बारे में, कैपेसिटर जो है यूज करते वो कैसा दिखते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोग को बता के चलूँ, ठीक है। तो पहला जो मॉड्यूल है वो है डायोड सर्किट के बारे में, तो इसको हम लोग कितने, हमें इसके लिए जो हमारे पास टाइम अलॉटेड है वो है 4 आवर, मतलब कि 4 आवर में डायोड सर्किट को हमें कंप्लीट कर देना है, ठीक, क्लियर। दूसरा मॉड्यूल जो है हमारा, अब दूसरा मॉड्यूल है BJT, BJT मतलब ये ट्रांजिस्टर है, तो एक प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर मतलब देखोगे तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक बाइपोलर एक यूनिपोलर होते हैं, ठीक है, एक बाइपोलर होता है और एक यूनिपोलर, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी डिस्कशन होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा, आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ के उस टाइम, तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ कि क्या क्या पढ़ना है, ताकि आपको भी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए जब आप लोग वहाँ पर पढ़ें। तो BJT मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सर्किट के बारे में पढ़ना है। अब इसमें भी क्या है, IV करेक्टरिस्टिक, इसका भी करंट वोल्टेज करेक्टरिस्टिक, मतलब किस करंट के रेंज तक ये काम कर सकता है, किस वोल्टेज के रेंज तक ये काम कर सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, मॉडर्न एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कहाँ पे, BJT सर्किट में, ठीक है। तो वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगा यहाँ, ये तो जो है वो तो छोटा सा है, 4 घंटे का है, करीब 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये जो मॉड्यूल 1 है, बट ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा क्या लंबा जाएगा, मॉड्यूल 1 के कंपेरिजन में ये दुगुना है, 8 आवर का होगा, यहाँ पे करीब 8 से 10 लेक्चर होगा हमारा मॉड्यूल 2 के ऊपर, ठीक है। और ये बेसिक पार्ट है, अब आपका जो मॉड्यूल 1 है और मॉड्यूल 2 है ये बेसिक पार्ट है, अगर इन लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना चाहते हैं तो आप मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 पे काफ़ी अच्छा कमांड होगा, तभी आप इन लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स समझ पाएंगे, अदरवाइज आप इन लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझ पाएंगे, ये काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आगे आपको वक्त के साथ धीरे धीरे टाइम टू टाइम मैं आपको बताते जाऊंगा कि कैसे चीज़ों को डील करनी है, कैसे सिलेबस को पकड़ बनाने के लिए क्या क्या करना है, कैसे रिवाइज होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा आगे, जैसे भी जैसे जैसे आप लोग का क्लास लेक्चर होते जाएगा, अपलोड होते जाएगा, सारी चीज़ें आप लोग को अपने आप पता चलती जाएंगे। मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 3 जो है आपका वो है MOSFET सर्किट के बारे में। अब बात आती है MOSFET पे, MOSFET क्या है जी, देखिए MOSFET भी एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है, ये होता है बाइपोलर, BJT जो है वो है आपका बाइपोलर, बाइपोलर, बाई मतलब दो, पोलर मतलब पोलारिटी, प्लस माइनस मतलब कि ये दो पोलारिटी से बना है, प्लस और माइनस दोनों से, ये है होता है MOSFET यूनिपोलर, यूनिपोलर मतलब सिंगल पोलारिटी होती है इसके अंदर, मतलब सिर्फ एक ही पोल होता है इसके अंदर, किसके अंदर, MOSFET के अंदर, ठीक है। ठीक उसी तरीके से मॉड्यूल 3 जो है, मॉड्यूल 3 के भी सिमिलरली मॉड्यूल 2 की तरह इसमें भी जो टाइम अलॉटेड है वो है आपका 8 आवर, ठीक है, मतलब 8 आवर में हमको इसको कंप्लीट करना है, काफ़ी सारे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ते हुए। तो हम लोग एक पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 में, मॉड्यूल 3 में भी MOSFET पढ़ेंगे, लेकिन हाँ MOSFET आपको तभी अच्छा से समझ में आएगा जब आप BJT को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, जब आप BJT को अच्छे से समझ पाओगे तब जाके तभी आपको मॉड्यूल 3 अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आगे जो मॉड्यूल्स हैं, टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं, तो उसमें आगे के मॉड्यूल्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ अब आती है हमारी मॉड्यूल 4 की,
आपका जो मॉड्यूल 4 है वो है, मॉड्यूल 4 में हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल मल्टी स्टेज एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ओपैम्प के बारे में पढ़ेंगे। मेन जो टॉपिक होगा हमारा डिस्कशन का वो होगा ओपैम्प के बारे में, ठीक है। अब ये ओपैम्प जो होता है, ओपैम्प मतलब क्या, ऑपरेशनल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है क्या ओपैम्प। तो हम लोग जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा ओपैम्प के बारे में, मतलब कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में, ठीक है। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना, तो डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं उनके बारे में, मतलब कि इसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप होता है ये गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। कंप्यूटर साइंस वालों का तो मैं ज़्यादा गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद ट्रिपल ई से पास किया हूँ बीटेक, गेट का एग्ज़ाम भी ट्रिपल इलेक्ट्रिकल से ही दिया हूँ। तो लेकिन हाँ, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी सर इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ओपैम्प जो है आपका, ओपैम्प काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओपैम्प से हर साल एक दो नंबर का क्वेश्चन गेट में आता है, ठीक है। मैं लास्ट में बताऊंगा कितने नंबर का क्वेश्चन लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से गेट में आता है और कितने नंबर का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आता है, ठीक है। ये सारा डिस्कशन लास्ट में होगा। तो आपको क्या पता चला कि जो मॉड्यूल 4 है वो होगा ओपैम्प के बारे में, ओपैम्प मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। इसके लिए जो टाइम अलॉटेड है वो है 8 आवर, ठीक है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका यूज कहाँ पे है, उनका एडवांटेज कहाँ पे है, डिसएडवांटेज कहाँ पे है, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं, टाइप्स के भी जो एप्लीकेशंस हैं, उनका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये सारा काम होगा हमारा मॉड्यूल 4 में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मॉड्यूल 5 जो है वो क्या है। मॉड्यूल 5 जो है वो है लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प, ठीक है, लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प, ठीक है, ये है। और फिर है आपका मॉड्यूल 6, ठीक है, ये है आपका 8 आवर का कंटेंट। फिर है आपका मॉड्यूल सिक्स। तो मॉड्यूल 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा जो मॉड्यूल 6 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम, ठीक है, नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ, नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प, ठीक है, पढ़ेंगे। ये कितने आवर का है भाई, ये है 6 आवर का, 6 मतलब 6 घंटे का है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कहाँ पे, नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने जैसे बोला था आपको कि मॉड्यूल 4 जो है वो ओपैम्प के बारे में है, ठीक है। तो उसमें मॉड्यूल 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उनको पढ़ेंगे, उनका फंक्शनिंग पढ़ेंगे, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसी का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कब, नेक्स्ट पार्ट मतलब कि जो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा डिस्कशन होगा, मोस्टली एप्लीकेशन में भी कैसा, लीनियर एप्लीकेशन के बारे में। लीनियर एप्लीकेशन के बारे में जो डिस्कशन होगा वो हम किस में पढ़ेंगे, मॉड्यूल 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। और नॉन लीनियर का जो डिस्कशन होगा वो होगा मॉड्यूल 6 में होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मॉड्यूल 4, 5 और 6 ये तीनों जो है वो है किसके लिए, ओपैम्प के लिए। मतलब कि अब आप समझ सकते हैं कि ओपैम्प जो है वो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि तीन मॉड्यूल मतलब कि आधा सिलेबस, आधे से भी ज़्यादा जो सिलेबस है वो सिर्फ ओपैम्प के लिए है, ठीक है। अगर आप इसको बोलें तो आधा सिलेबस सिर्फ ओपैम्प के लिए है, सिर्फ ओपैम्प के लिए, आधे से भी ज़्यादा है। 42 आवर में टोटल 42 आवर का सब्जेक्ट है जिसमें 22 आवर सिर्फ ओपैम्प पढ़ना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बताया गया है आप लोगों के लिए, जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके अकॉर्डिंग ओपैम्प पढ़ना है। अब आप समझ सकते हैं कि आपका मोर देन 50% जो सिलेबस है वो ओपैम्प का है, यानी कितना इंपॉर्टेंट है ओपैम्प।
अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूँ तो उस गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ओपन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यह आपका जो भी सिलेबस था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं आगे की चीज़ें हैं उसके ऊपर। तो अगर मैं पूरे सिलेबस को डिवाइड करूं तो पूरे सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला डायोड, डायोड के बारे में, डायोड सर्किट जो है उसके बारे में। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर सर्किट, ट्रांजिस्टर जो सर्किटरी है उसके ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा है ओपेम्प सर्किटरी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किटरी। ठीक है, देखिए अब आप देखिए एक मॉड्यूल जो कि 4 आवर का है वो है डेडिकेटेड डायोड सर्किट के लिए। फिर दो मॉड्यूल यानी कि मॉड्यूल 2 एंड 3 यानी कि 8 आवर प्लस 8 आवर जो है वो डेडिकेटेड है किसके लिए, ट्रांजिस्टर सर्किट के लिए। ट्रांजिस्टर सर्किट में क्या क्या पढ़ना था जी, जब मैंने अभी बताया कुछ देर पहले बाइपोलर और यूनिपोलर, तो बाइपोलर के लिए 8 आवर है, यूनिपोलर के लिए भी 8 आवर है। ठीक है, दोनों के लिए 8-8 घंटे जो है वो डेडिकेटेड हैं इस सिलेबस में। ओपेम्प अब बात आती है, तो ओपेम्प में जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या है 4 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, 4 में हम लोग बेसिक उसका ओपेम्प के बारे में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओपेम्प जो है उनका फंक्शन क्या है उसके बारे में देखेंगे। जो आपका मॉड्यूल 5 है उसमें हम लीनियर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओपेम्प जो मॉड्यूल 6 है इसमें नॉन लीनियर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो तीनों मिला के हैं वो है 8 प्लस 8 प्लस 6 यानी कि 22 आवर का कंटेंट है जो कि आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब आप बात कर लेते हैं कुछ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स हैं हमारे ऑल इंडिया लेवल के उसमें कितने टाइप मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं खुद बता दूँ आप लोग अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ ताकि एक टीचर का भी बारे में पता होना आपको ज़रूरी है। मेरा नाम है चारू श्री कुणाल। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ मैं ऐसे हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये मेरा नाम है। ठीक है, आप लोग को पता चल जाएगा मैं एक फॉर्मुलेटर जो हमारी फैमिली है उसमें मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मैं 2019 बैच का इलेक्ट्रिकल बैच पास आउट हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा स्लाइट इंट्रोडक्शन दे दूँ आप लोगों को, 2019 बैच का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल नहीं ट्रिपल ही कही है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक पास हूँ। ठीक, अभी वर्तमान में मैं एमटेक कर रहा हूँ मैं अभी पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट डिमांडिंग स्पेशलाइजेशन है पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, और मैं अभी NIT जयपुर से कर रहा हूँ। ठीक है, NIT जयपुर से अभी पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से मैं MTech कर रहा हूँ, और मैंने 2019 में गेट का एग्ज़ाम पास किया था और उसके थ्रू ही मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है। ठीक है, तो यह मेरा थोड़ा सा स्लाइट इंट्रोडक्शन था ताकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो कितना नॉलेजफुल है, उसके पास इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, एक्सपीरियंस है या नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। ओके, तो ये मेरा कुछ मेरे बारे में छोटा सा मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी हम लोग क्लास में और आगे चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ गेट के बारे में, मैं इलेक्ट्रिकल वाला हूँ और इलेक्ट्रिकल से गेट दिया था तो इसलिए इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा बेहतर बता पाऊँगा, लेकिन कंप्यूटर साइंस के बारे में मुझे आइडियाज़ हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस के भी अगर मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ तो मैं उसके बारे में भी बताऊँगा आप लोगों को। हाँ, इलेक्ट्रिकल में अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल में
गेट में हर साल 5 मार्क के क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। जिस 5 मार्क में सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो हर साल ओपेम से आता है, ठीक है। मतलब 50% से ज़्यादा जो है वो ओपेम से है, और एक कभी डायोड, कभी 2 मार्क का क्वेश्चन डायोड से आ गया, या कभी 2 मार्क का क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से आ गया, ऐसा होता है। लेकिन हर साल 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो ओपेम से आता ही आता है हर साल। गेट का एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, गेट इलेक्ट्रॉनिक गेट एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और अगर मैं बात करूँ और भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं, जैसे कि यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज है, यूपीएससी का जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है उसमें भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है जो यूपीएससी का, उसमें भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम नहीं होता है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल वालों के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होता है, वो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए नहीं होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूपीएससी ईएससी के अकॉर्डिंग अगर भी आप देखोगे तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए, ये आपको पता चल गया कि गेट एग्जाम, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो फिर भी तभी भी आपको इस सब्जेक्ट को काफ़ी सीरियसली लेना है और काफ़ी ध्यान से पढ़ना है इस सब्जेक्ट को। और मैं कुछ अपना पर्सनल आपको सजेशन दे दूं कि देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट है। लेंदी इन द सेंस कि आप इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ लेंदी सिलेबस है इसका, ठीक। मैं खुद बताऊं, एक पर्सनल अपना एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मुझे भी थोड़ा सा परेशानी होती थी जब मैं बीटेक ग्रेजुएट में था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से कवर करने में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी सिलेबस है इसका, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसमें, तो आप कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है आपको इसमें। दूसरी चीज़ है, इसमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों होंगे, थ्योरी भी होगा और न्यूमेरिकल भी होगा, बराबर का क्वेश्चन आता है। मतलब थ्योरी भी 50% होगा और न्यूमेरिकल भी होगा, तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटना है या सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, नहीं, दोनों चीज़ें हैं, रटना भी मतलब कि थ्योरी भी पढ़ना होगा और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना होगा। और तीसरी चीज़ जो मैं एक पर्सनल सजेशन दूंगा आप लोगों को, कि आप लोगों को जो मैं पढ़ाऊंगा उसको काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा मेरे बैच में, मैं जब अपने बैच में जब मैं हम लोग जब थर्ड सेमेस्टर में थे तो सबसे ज़्यादा थर्ड सेमेस्टर में बैग अगर किसी पेपर में लगा था तो वो था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब मेरे बैच में, मैं अपने बात कर रहा हूँ, मैंने उड़ीसा से इंजीनियरिंग पास की है भुवनेश्वर से, तो जब मैंने खुद जब मैं हम लोग थर्ड सेमेस्टर में थे तो मेरे बैच में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो फेल हुए थे थर्ड सेमेस्टर में वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हुए थे। और आपको भी पता है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है इसका, लेंदी मतलब कि टफ सब्जेक्ट नहीं है, बट इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, वास्ट सिलेबस है इसका, इसलिए आप लोग का काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। और मैं आप लोग का एक सीनियर टीचर हूँ फॉर्मुलेटर में, क्योंकि मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि आपका फॉर्मुलेटर में पावर सिस्टम है, मैंने पावर सिस्टम पढ़ाया है, फिर पावर सिस्टम 1 और पावर सिस्टम 2 पढ़ाया है फिफ्थ सेमेस्टर वालों को और 7th सेमेस्टर वालों को, ठीक। तो मैं 4th ईयर को भी पढ़ाया हूँ, 3rd ईयर को भी पढ़ाया हूँ और आप लोग को भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि 3rd सेमेस्टर वाले को, 5th को भी पढ़ाया हूँ और 7th वालों को भी पढ़ाया हूँ, अभी आप 3rd सेमेस्टर वालों को, आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे एक एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये बता सकता हूँ कि अगर आप कैजुअली इस सब्जेक्ट को लोगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को, अगर आप बार बार एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद अगर आप इसको रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप सही में बताऊं तो आप, हो सकता है कि आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप फेल भी हो सकते हो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ते हैं, तो मतलब कि एक रात पहले, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आप समझ जाइए कि आप फेल हो सकते हैं इस सब्जेक्ट में। हाँ, और भी एक बता दूं कि मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, बस आपको क्या करना है, उसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करना है, ठीक है। एक प्रॉपर नोट्स जब आप तैयार कर लोगे तो आपका जो रिवीजन का पर्पस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैंने जितने भी लोगों को पढ़ाया है जो जो सब्जेक्ट, उसमें से मिनिमम मार्क जो लाते हैं स्टूडेंट, मिनिमम मार्क जो लाते हैं वो है 70 मार्क। मिनिमम जो सबसे गंदा है पुअर स्टूडेंट था उसका मार्क्स आया था 70, हाईएस्ट मार्क है 95। एवरेज मार्क्स मेरे सब्जेक्ट में स्टूडेंट लाते हैं वो है 85 मार्क। तो अब आप समझ लो कि
कितना अच्छे तरीक़ा से आप लोग को मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, कितने अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसलिए मैं जो भी बताऊँगा उसको काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स बना के, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, उसमें दो पेन का इस्तेमाल करिए, हेडलाइन दीजिए ब्लैक पेन से और ब्लू पेन से लिखिए, जो आपका जो भी नोट्स करवाऊँगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा उसको, ठीक है। तो आई थिंक अब आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, क्या क्या इसका प्रायोरिटी है एग्ज़ाम में, कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में। कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में तो जो आपका प्रोग्रामिंग पार्ट हुआ, जो आप लोग प्रोग्रामिंग इनसे ही पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। लेकिन जो हार्डवेयर पार्ट है, हार्डवेयर मतलब मैन्युफैक्चरिंग है जो कंप्यूटर का, वो समझने के लिए आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, डिजिटल आई थिंक आप लोग थर्ड सेमेस्टर में होगा, अदरवाइज फोर्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो हार्डवेयर पार्ट में आएगा। तो एनालॉग, अगर हार्डवेयर को समझना है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को काफ़ी अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये था अभी, ये जो हमारा डिस्कशन था वो था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। सो अप टू दैट, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग फॉर्मुलेटर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।